लो जी, नहा के तैयार हो गया। टाइम ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे हैं सुबह के, तो फिर अभी 2 बजे के आसपास पंडित जी ने बोला है कि गणेश जी के मंदिर है उसके पास आ जाना, तो एंट्री करवा देंगे। पंडित जी से बात कर रखा है यहाँ पे ऑलरेडी। सौरभ अभी नहाने गए, फिर उसके फ्रेश होने के बाद हम निकल जाएंगे। तो ये मैंने हरिद्वार में ख़रीदा था, ओम वगैरह लिखा है, तो यही टी शर्ट पहन लिया। पहले था कि वस्त्र नहीं पहनते अंदर, और धोती और गमछे में आते, बट अभी वो रूल हटा दिया इट सीम्स, तो हम कुछ भी कपड़ा पहन के जा सकते हैं। वही कर रहे हैं अभी। करंट अपडेट, वहाँ पे फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं है, तो हमने पूछा था, वो बोले कि एक फ़ोन ले जा सकते, या तो मेरा होगा या सौरभ का होगा, तो अगर उसमें से जितना भी शूट हो सकता मैं करूँगा, नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं, हम आरती के लिए जा रहे हैं, वैसे भी वहाँ पे शूट वूट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, जो भी होगा देखा जाएगा, नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं, बस हम प्रे करके भस्म आरती वगैरह देख कर वापस आ जाएंगे, बाकी जो भी होगा अपडेट करते रहेंगे। अरे दुकान है, रात के 2 बजे भी खुली है, और शायद यही मंदिर है, नॉट श्योर, जाके पता चलेगा। महाकाल मंदिर प्रवेश द्वार, जय श्री महाकाल। भाई चांद भी कितना सुंदर दिख रहा है सुबह सुबह। एनी हाउ, हम गलती से मैंने बोल दिया था महाकालेश्वर मंदिर, शायद ये है, ये रहा। और यहाँ पे जो अंदर है ना, बहुत सुंदर बना रखा है, अंदर जाके अगर वीडियो रिकॉर्डिंग मिला तो देखेंगे। हम वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। आर यू एक्साइटेड? जय महाकाल। ये बड़े गणेश जी का मंदिर है, यहाँ पे भी दर्शन करने आना है। वहाँ पे पंडित जी आ गए जो हमें एंट्री दिलाएंगे। भाई क्या सुंदर जगह यार, माय गॉड, मेरे रोंगटे खड़े करे यार, इतनी सुंदर जगह, माय गॉड। शिवलिंग यहाँ पे भी, अच्छे दर्शन हुए ना भगवान, बोल नहीं सकते। कैसा था आपका एक्सपीरियंस?
जय जय महाकाल। अंदर जो वाइब है ना, बोल नहीं सकता यार। भाई आ गए हम लोग मंगलनाथ मंदिर। ये है मंगलनाथ मंदिर का एंट्रेंस। यहाँ पे पूरा भात की पूजा हो रही है भाई। देखो पूरा भात का पूजा होता है। बोलते हैं कि मंगल का जो भी दोष है सब हट जाता है यहाँ पे। मंगलनाथ की पूजा तो मैं नहीं करवा रहा, सौरभ करवा रहे हैं वहाँ पे। मेरा देखेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी मम्मी पापा लोगों के साथ आऊँगा तब करवा लेंगे यहाँ पे, बट उसको ज़रूरत है तो वो करवा रहा है। ये मंदिर है भाई, यहाँ पे अंदर पूजा होगी। सौरभ गया अभी। मंदिर के बगल में ही ये नदी है, छोटा सा घाट भी है नीचे, बट यहाँ पे पूजा वूजा होती नहीं होगी शायद। मेरे तो दर्शन होगी, बट सौरभ अभी तक अंदर है। टीवी में देख सकते हो, रेड टी शर्ट में वो अंदर पूजा करवा रहा है। भाई काल भैरव मंदिर आए, दारू चढ़ानी ज़रूरी है यहाँ पे। ये लो भाई पापा की फेवरेट चढ़ाएंगे काल भैरव को। ऐसे मंदिर हैं, ब्लॉगर बने हैं। मंदिर हैं, ब्लॉगर पहले बनेंगे। लो भाई ये भी लगवा लिया। भयंकर भीड़ है भाई। जी काल भैरव के चढ़ गई है प्रसाद दारू, और अच्छे दर्शन हो गए इनके भी, बहुत अच्छे। अभी यहाँ पे नारियल फोड़ना है कि नारियल रखना है। उज्जैन में सारे भगवानों के अच्छे से दर्शन हुए, भगवान ने साथ दिया है भाई। भगवान बहुत सही दर्शन हो गए, पर मेरे को काल भैरव का ना थोड़ा हिस्ट्री जानने का इच्छा हो रही है, क्योंकि वो दारू पीते हैं भाई, और साइंटिस्ट वगैरह ढूंढे किस दारू उनका पता नहीं चला कहाँ गया है, तो उसके बारे में मेरे को ये करना है। अब हो गया भाई हमारा लंच टाइम। रेस्टोरेंट कुछ ऐसा दिखता है, शादी का हॉल जैसे, बस थाली की सुविधा है यहाँ पे। भाई मेरे पैरों ने पैर दे दिए यार, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। लो जी पहुँच गए रूम। एसी भी चला ले, बहुत गर्मी हो रही है। फ्रेश होके डायरेक्ट सोएंगे, शाम के 5 बजे उठेंगे। गुड नाइट। मॉर्निंग गाइस, अभी भी नींद में। तो अभी 6:30 हो रहा है, तो हम शाम की आरती के लिए फिर से जा रहे हैं महाकालेश्वर। टिकट विकेट कुछ लिया नहीं, अभी जाके देखते हैं क्या सीन है। लो जी आश्रम से अभी हम चेकआउट कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं इंदौर। इंदौर पहुंचेंगे 1-2 घंटे में, फिर इंदौर में रेस्ट करके सुबह हम अर्ली मॉर्निंग ओंकारेश्वर के लिए निकल जाएंगे। तो कल सैटरडे है, कल तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। संडे को फिर हम वापस बैंगलोर पहुंचेंगे। अभी सामान यहाँ रख दिया है। रात के 12 बजे फाइनली हम इंदौर पहुँच चुके हैं। ये हमारा रूम है। 4-5 जगह लिटरली हम लोगों ने धक्का खाया है। अभी हम जाएंगे इंदौर के फेमस जगह जो है 56 वहाँ पे 56 टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं। वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे, खाना पीना खाएंगे। बहुत थक चुके, बस खाना खा के आके सो जाना है और कुछ नहीं। सी यू इन 56। भाई 56 के बदले सराफा बाजार ले आया ऑटो वाला। मोए मोए मोमेंट्स। यानी हम यहाँ पे देखते कुछ मिल जाए तो। भाई बिन मौसम बारिश शुरू हो गई। हाँ देख रहे हैं ना, देखो नीचे जमीन पे। यार बारिश तेज हो गई है। बारिश भी लोगों को नहीं रोक सकती भाई। ये देखो भाई कुल्फी, कुल्फी फालूदा गोल्ड मैन फेमस है यहाँ पे। कहाँ गए वो गोल्ड मैन?